का समस्या हवे? का समस्या रही हमन ला ही रोड का साधन नहीं मिले। कब से? कब से नहीं, ढेर साल हो जाते हैं, देवे नहीं करे। तो तुम्हें का दिक्कत होती? नदी पूरा ही भरलते घरी हमन ला डाके में बहुत दिक्कत है, ओ पार से पार डाके नहीं सकन हमन। अच्छा, नदी में के महीना तक पानी भरे? 3 महीना तक। अच्छा, तुम्हार गांव में का का समस्या है? मितानिन भी नहीं आते हमारे गांव में, ना तो आंगनबाड़ी मन भी नहीं आते कौन घर, जब सूखा हुई नदी तब आही और पानी भरे रही तो नहीं आही, जैसे कत्ते इसे रही गांव में। यहाँ का समस्या सर ये है कि जो है ये बीच में नदी है, स्कूल इस पार है और बस्ती पूरा जो है नदी से उस पार है। अभी जो है वर्तमान में 25 बच्चे दर्ज हैं, जिसमें से नदी से इस पार केवल 4 ही बच्चे वही लोग आते हैं स्कूल, बाकी सब बच्चे नदी से उस पार के हैं। तो जब पानी आता है तो बच्चों को परेशानी होता है स्कूल आने में, तो खतरा जो है जैसे थोड़ा सा बादल आया, जो है काला बादल आया, बच्चे देख के छुट्टी मांगते हैं, सर छुट्टी दीजिए छुट्टी दीजिए, तो हम लोगों को मजबूरन में छुट्टी देना पड़ता है। 3 महीना बरसात के सीजन में स्कूल नहीं के बराबर है, मान लीजिए। तो स्कूल काबर नहीं जाते? स्कूल नदी भर रहे, हाँ। घर से जाने नहीं देते हैं। काबर नहीं जाते हैं? डर से पुहा जाएगा। तो कोनो कोनो घरी तुमन स्कूल जात रहता, ते घरी पानी है कितना तक भर जा रहे है? एकदम फुल भर जाए, इतना ले हो। स्कूल में और क्या क्या परेशानी होती है आपको भी और बच्चों को भी? हमको स्कूल में बरसात के समय में काफ़ी परेशानी होती है, जैसे यहाँ के स्कूल का लेंटर टपक रहा है, बच्चे ढंग से बैठ नहीं पाते हैं, बैठक व्यवस्था में दिक्कत होती है, पढ़ाई बाधित होता है, और बच्चे ही स्कूल में कम आते हैं तो हम पढ़ाएंगे किसको? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, तो उनका अध्ययन बाधित हो ही रहा है। एकदम कल का बुखार चढ़ाया है, नहीं उतर रहा है, और एकदम हाथ गोड़ सब सिकुड़ जा रहा है, और पूरा परिवार कल से बुखार है, और यहाँ टावर नहीं बताए, फोन लगा था तो 102 ला फोन नहीं लगे, 108 भी नहीं लगे, टावर नहीं बताए, पुलिया नहीं है, रास्ता नहीं है, एकर कारण हमारे बुखार में मरत हूँ। मितानिन हूँ लेकिन मैं गाँव का रक्षा करती हूँ, लेकिन वहीं खुद पड़ गई हूँ, गाँव वाले भी झेल रहे हैं वैसे ही। अच्छा, जब एम्बुलेंस इस पार नहीं आता है तो कैसे करते हैं? खटिया में ढो के लेके जाते हैं, वो भी अब वो पैदल लेकर कम से 5 किलोमीटर ढो के खटिया से। अच्छा, कुछ प्रस्ताव किए हैं क्या? प्रस्ताव कई बार दे चुके हैं नदी के विषय में। अच्छा, तो फिर क्या हुआ है प्रस्ताव देने के बाद? अब पता नहीं, बनेगा बनेगा बताते हैं, पता नहीं कब बनेगा, भगवान मालिक उसके लिए। ज्यादा हो जाएगी गीला तो मरिए जाता है, खत्म हो जाते हैं, दिन जिंदा रही तेला डका दही तो गाड़ी ले जाही, तब फिर वहाँ ले फिर ठीक हो जाही। अभी तक कितना मर गए हैं? 3 जन मरी है अभी के। दोहा कुन सब यहाँ मर गई है, सब हमारा घरदार भी खत्म, मेरे यहाँ देरानी भी खत्म, चावल लड़ी हैं डोही कुन लाना रहते समय में। एक बच्चा यहाँ पर बह के मर गया ऐसे ही स्कूल जाते समय, और बह के मर गया तो वहाँ पर अटका हुआ था। तो हर साल 1-2 दुर्घटना यहाँ निरंतर बना रहता है। इसके लिए आप क्या कदम उठाए हैं और गांव वालों की तरफ से आप क्या किए हैं? पुलिया बना कई बार लिखित के रूप में दिए कि यहाँ पुलिया बनना चाहिए,
कई लोग रायपुर से साहब लोग आए थे, तो मैं बाइक में, उस समय रास्ता नहीं था, तो बाइक में एक एक करके लाया उनको और यहाँ दिखाया, फोटो खिंचवा करके फिर दिया गया उनको, कि ताकि हम लोगों का समस्या हल हो सके। राशन चावल ले बर कहाँ जाते हैं? नदियों पर। फिर लानते समय कैसे करता? रात भर फिर वहीं पे कहीं लग पड़ोस का घर में सो जाते हैं। अब कैसे करके नाखते जब खाना नहीं रहे तो फिर दूसरा जग मांग के खाते हैं, उधार दे मोला 1 किलो 1.5 किलो, जो रहलते मन जग ले मांग के खाते हैं, तो फिर दूसरा जुग दिन मन कर उधार ला दे देते हैं। बरसात कर 4 महीना मानो जैसे ये गांव मन अंधकार में डूब जाते, तो का ये समस्या कर कोई हल नहीं हो सकत? का सरकार है मन कर कोई मदद नहीं कर सकत? साथी हीरालाल और देव नायक के साथ मैं दिनेश कुमार कटरा संगवाली। अपने क्षेत्र से जुड़ी खबरों के संबंध में किसी भी तरह की अतिरिक्त जानकारी अथवा सूचना हमें अवश्य दें। हमारा नंबर है 8435300106 और 8358902305।